वेलकम है जी आप सबका एक और वीडियो में। आपने वीडियो का टाइटल ऑलरेडी देख लिया होगा, पर उस टाइटल पे हम बाद में आएंगे। सबसे पहले मैं आपसे लास्ट वीडियो के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थहैम्पटन की आपको बताया था। तो जितने स्टूडेंट अगर उनको एडमिशन मिल रही है ना वहाँ पे, यार ज़रूर चले जाओ, यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। मैंने उसके साथ देखो स्टूडेंट के साथ पूरी बात की थी, सिटी के बारे में, जॉब्स के बारे में, स्टडी, वहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिलती है, प्लेसमेंट ईयर मिलता है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। उसने बताया था कि साउथ इंडियन स्टूडेंट आते हैं, नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट, यहाँ भी ऐसा ही सीन है, मैं बताऊँगा अभी आपको। तो वहाँ पे भी ऐसा ही सीन था, तो वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट कम थे, तो एवरेज फीस वहाँ पे 10-11 हज़ार के आसपास है साल की फ़ीस। तो अपने आप किसी भी अपने कंसल्टेंट से कर रहे हो ना अप्लाई, एजेंट से, कंसल्टेंट जो भी है आपका, तो प्लीज़ आप उनको बोलो कि मैंने इस यूनिवर्सिटी में जाना है, तो आप उस यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। बहुत अच्छा टाउन है, आप सिटी कह लो, टाउन कह लो, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया काफ़ी डेवलप हो चुका है। तो आज ही ये आप देख सकते हो पुनीत भैया की कार यहाँ पर लग चुकी है, ये अब हमें शेफील्ड में लेकर आई है, जो कि बहुत ही बड़ी सिटी है मैं कह सकता हूँ। यहाँ पर काफ़ी डेवलप है और कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो इस वक्त मैं आज आपको एक स्टूडेंट से मिलवाऊँगा, वो इसी यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहा है। तो अभी हमने यहाँ पर कार लगाई हुई है और पुनीत भैया पार्किंग के लिए पे करने गए हैं। तो मेरे साथ अभी एक स्टूडेंट है, तो मैं थोड़ी देर में आपको उससे मिलवाऊंगा और यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे, कौन से कोर्सेज हैं यहाँ पर, और आपको साथ के साथ थोड़ा सा सिटी भी मैं घुमा दूंगा। तो हमने अभी पार्किंग का पे कर दिया, यहाँ पर बहुत सीन हो जाता है पार्किंग का, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये जो आप येलो वाली रेसिप देख रहे हैं ना, पेनल्टी लगी हुई है, £70 लग जाते हैं अगर आप यहाँ पर पार्किंग के पे नहीं करते। चाहे आपने आधा घंटा भी खड़ी करनी है ना कार, तो आपको पे करने पड़ेंगे। अगर आपने रिस्क लिया तो लग जाता है फाइन आपको। बाकी आप अपने दोनों बंदे आगे जा रहे हैं, पुनीत भैया साथ में, पुनीत भैया को मैं मिलवाता हूँ आपसे। तो यूनिवर्सिटी का टूर करना है, तो फाइनली मेरे साथ अभी आदित्य रॉय कपूर के छोटे भाई जुड़ चुके हैं, आप देख सकते हो। मनीष जी एक्चुअली इनका नेम, पर मुझे थोड़ी सी लुक लग रही थी, आप देख सकते हैं जो इन्होंने गॉगल्स भी पहने हुए हैं, तो मुझे बिल्कुल देखकर वो याद आया था मूवी का सीन आशिकी 2, आप सबने देखी होगी मूवी, अच्छी थी। तो खैर अभी हम बहुत इंपॉर्टेंट जो बातें करनी है उस पर आते हैं। आप सबसे पहले बताइए आप इंडिया से कहाँ से ब्रदर? मैं भाई साहब राजस्थान जयपुर। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पर कौन सा कोर्स कर रहे हो? मैं टूरिज्म मैनेजमेंट कर रहा हूँ, इंटरनेशनल टूरिज्म मैनेजमेंट मास्टर्स। ठीक है, यहाँ पे फिर आप कब आए थे? जनवरी 2021। ठीक है, तो वहाँ पे आपने क्या स्टडी की थी? वहाँ पे मैंने बैचलर्स करी थी कंप्यूटर एप्लीकेशन में, फिर डिप्लोमा करा था टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी में पुणे से। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पर आ गए, पेंडेमिक लग गया तो समझ में नहीं आता क्या करें। सही बात है, सही बात है। तो ये वाली जो यूनिवर्सिटी है यार, यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड है, शायद आपने नाम सुना नहीं सुना मुझे नहीं पता, पर यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर भी मुझे दो ही इंडियन स्टूडेंट अपने मिले हैं। तो अपना एक और इंडियन स्टूडेंट है, वो पुनीत भाई के साथ बातें कर रहा है। एक्चुअली वो बहुत कैमरा चाहिए, मैं उसको लाना चाहता था वीडियो में, पर वो आ नहीं रहा वीडियो में। चलो कोई बात नहीं, मेरे साथ एक स्टूडेंट है, ये भी थोड़े से कैमरा चाहिए, पर चल रही है हमारी बात अभी इनसे। तो अभी हम एक्चुअली सिटी सेंटर के बीच में पहुंच चुके हैं, तो यहाँ का माहौल है आज, मुझे इतना क्राउडेड नहीं लगा जितना क्राउडेड यूजली होता है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर धूप निकली हुई है, हाँ अभी लग रहा है सिटी सेंटर में आए हैं ना। यहाँ पे अब थोड़ा क्राउड है। तो अभी शेफील्ड में ही रह रहे हो ना जब से आप आए हैं? जी भाई साहब। ठीक है, तो जॉब वगैरह चल रही है? जॉब कर रहे हैं पार्ट टाइम। ठीक है, मिल जाते हैं यहाँ पे जॉब्स पार्ट टाइम। जॉब कैसे अप्लाई की थी? स्टार्टिंग में आया, थोड़ी परेशानी हुई थी, स्टार्टिंग में आएगा कोई भी नया बंदा परेशान होगा। अच्छा, भाई सीन शॉर्ट हो जाते हैं 1-2-3 महीने में, फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। यहाँ पे स्टूडेंट क्राउड है तो फिर जॉब भी आती है स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो और भी कोर्सेज हैं यहाँ पर, जैसे आप टूरिज्म कर रहे हो, इसके अलावा और कोई कोर्सेज हैं? कोर्सेज तो बहुत हैं यूनिवर्सिटी में, 150-200 कोर्सेज हैं यहाँ पे। ठीक है, पर यूनिवर्सिटी अच्छी है, यूनिवर्सिटी की QA रैंकिंग भी अच्छी है। ठीक है, टॉप 50s में आती है, टॉप 40 समथिंग में आती है। अच्छा अच्छा, तो ठीक ही है, सब कुछ बढ़िया ही है, अब तक यूनिवर्सिटी ने भी सपोर्ट कराई है, मतलब कोई भी दिक्कत आई नहीं, टीचर्स वगैरह बढ़िया ही लगे। ठीक है,
बाकी इन्होंने स्कॉलरशिप दी थी आपको? स्कॉलरशिप मिली थी 3000 पाउंड की। ठीक है, तो स्कॉलरशिप एक्चुअली आपको हर एक यूनिवर्सिटी में मिल जाती है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैपिटल में भी मिली थी। तो मैं आपको साथ के साथ थोड़ा सा व्यू भी इधर का दिखा देता हूँ। तो ये यहाँ का व्यू है। तो एवरेज फीस वगैरह कितनी थी इस यूनिवर्सिटी में? एवरेज हर किसी पे यही जा रहा था कि 12 से 17-18 हज़ार पाउंड। ठीक है, तो ये मेरे को पड़े इसकी फीस 11,000 पाउंड। ठीक है, ठीक ही था, मतलब 3,000 पाउंड का डिस्काउंट मिल गया तो काफी। बिल्कुल बिल्कुल। तो फीस का इसने बताया, नॉर्थहैम्पटन में भी ऐसा ही था और भी यूनिवर्सिटीज में ऐसा ही है। तो जॉब मिल जाती है, यहाँ पे भी जॉब एजेंसीज हैं, तो आप आते हो यहाँ पर, आप रजिस्टर्ड हो जाओ। बाकी हम यूनिवर्सिटी की ओर जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी एक्चुअली सिटी सेंटर में ही है, तो मैंने आपको थोड़ा सा कैंपस दिखाना है। बाकी यहाँ पर बहुत अच्छा वेदर है, धूप निकली हुई है, अभी तो गर्मी हो गई है, सुबह यहाँ पर क्लाउडी था तो इसलिए मैंने हुडी पहनी थी। फिर आप अभी लंदन वगैरह कहीं घूम के आए? स्कॉटलैंड गए थे। सही है, अभी लंदन बचा, लंदन नहीं गए, लंदन सबसे पहले फ्लाइट लंदन में लैंड हुई थी, फिर भी नहीं गए अभी तक। ठीक, जाएंगे अभी, मतलब प्रोबेबली नेक्स्ट वीक। कुछ स्टूडेंट है ना यार, उनको उधर एडमिशन मिलती है ना डेनबरा में, तो ये तो उधर गए थे, बता रहे थे वापस आने का दिल नहीं कर रहा था, तो हाँ है ना। तो बहुत अच्छी लोकेशन है, अगर आपको एडिनबरा में मिलती है ना एडमिशन यूनिवर्सिटी में, तो उधर आप स्टडी कर लो, जॉब भी मिल जाएगी। बाकी मैंने भी जाना यार घूमने के लिए, स्कॉटलैंड बहुत ही प्यारी लोकेशन है, जिन्होंने हैरी पॉटर देखी है वहाँ पे बहुत शूटिंग हुई है उसकी, और भी कुछ मूवीज़ हैं उनकी शूटिंग, टीवी सीरीज़ सबकी वहाँ पे बहुत ज़्यादा शूटिंग हुई है। तो अगर आपको चांस मिलता है तो उस यूनिवर्सिटी में ज़रूर जाएँ। यूनिवर्सिटी इस साइड पे है जी। एक्चुअली वीकेंड है तो छुट्टी है सबको, तो यहाँ पर पूरी रौनक लगी हुई है। सिटी सेंटर में हम पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हो कितना क्राउड है यहाँ पर। और यहाँ पर मेरे साथ मनीष है, तो मनीष जी और कुछ बताइए यूनिवर्सिटी के बारे में। आपको आईएलएस वगैरह दिया था यहाँ पे आपने, कुछ करना था पहले? आईएलएस का एग्ज़ाम दिया था? आईएलएस का एग्ज़ाम हाँ दिया था यहाँ से पहले, पर ज़रूरत नहीं पड़ी आईएलएस के एग्ज़ाम की, क्योंकि और भी दूसरे सोर्सेज हैं, डुओलिंगो और एक आध दो और हैं जो हेल्पफुल होते हैं। अगर तुमने 12th में अच्छा स्कोर करा हुआ है तो तुम्हें आईएलएस की भी ज़रूरत नहीं होती है यहाँ। हाँ, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बताता हूँ कि अगर आपके इंग्लिश में मार्क्स अच्छे हैं ना, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी कोई, आपको एडमिशन मिल जाएगी। तो मेरे को ना एक और स्टूडेंट का मैसेज भी आया था, वो ऐसे बता रहा था कि उसके प्लस टू में 43% आई थिंक उसके इतने बताए थे। तो अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो भाई फिर बात ट्राई करो, फिर आप, मैं सच बता रहा हूँ, आपके पैसे ख़राब हो जाएंगे। एजेंट वहाँ पे लूट रहे हैं, उसने मेरे को बताया भी पहले पैसे ख़राब कर चुका है, और फिर मेरे को मैसेज करके पूछ रहा है कि मैं ऐसे करूँ, ट्राई करूँ, आप बताओ। तो भाई ऐसा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, आप दोबारा करनी है आपने, दोबारा प्लस टू कर लो, आपने मार्क्स अच्छे ले आओ, फिर आप अप्लाई कर सकते हो, गैप का आपका कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा, जिनके मार्क्स कम है ना वो दोबारा कर लो प्लस टू में, जिनके कम है तो ये ऑप्शन है उनके पास। बाकी अभी यहाँ पर मेला लगा हुआ है इस वक्त, तो देख सकते हो आप यहाँ पर, तो बहुत अच्छा माहौल है। मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे नहीं पता था, क्योंकि लास्ट मैंने पीछे देखा तो बिल्कुल शांति थी वहाँ पर, कोई बंदा ही नहीं दिख रहा था। तो अभी यहाँ पर पूरी रौनक लगी हुई है। तो ये शेफील्ड सिटी है, ये यॉर्कशायर में आती है। जैसे हडर्सफील्ड मैंने आपको बताया था, हडर्सफील्ड का टूर करवाया था, वैसे ही शेफील्ड है। तो ये भी बस बिल्कुल क्लोज है दोनों टाउन, पर शेफील्ड बेटर है हडर्सफील्ड से। हाँ, शेफील्ड बेटर है। तो प्रवीण भाई आप ही बता दो ना, इधर आ जाओ वीडियो में, आप आए नहीं। तो अभी मेरे साथ पुनीत भाई हैं, तो ये आपको मिले ही नहीं स्टार्टिंग में वीडियो में, एक्चुअली ये दूसरे स्टूडेंट के साथ बातें कर रहे थे, जो कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी कैमरा सही था। तो अभी मेरे पास एक राइट साइड में एक बिल्डिंग है बहुत ही प्यारी सी, तो ये दोनों स्टूडेंट्स को नहीं पता था ये क्या बिल्डिंग है ना, क्या नेम है, तो आपको पता है ना, आप तो सभी जगह घूमे हो। सत श्री अकाल, नमस्ते एवरीवन। तो अब हम शेफील्ड सिटी में हैं। तो ये जो बिल्डिंग हम राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं, ये है काउंसिल हाउस। तो बेसिकली एज़ एवरी सिटी हैज़, दिस सिटी ऑल्सो हैज़ ए काउंसिल हाउस। तो शेफील्ड बेसिकली यॉर्कशायर में आती है, जैसे आपको हनीत ने बताया होगा। बहुत यहाँ पर दो बहुत फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं, शेफील्ड हैलम है
यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड है. तो सबसे मेन एडवांटेज क्या है स्टूडेंट्स को यहाँ आने का, कि यहाँ की जो फीस है वो ज़्यादा महंगी नहीं है आपको. मतलब 4-5 हज़ार की भी स्कॉलरशिप मिल गई, अगर फीस आपकी 15-16 हज़ार है तो आपकी 10 हज़ार में आपकी मास्टर्स हो जाती है. तो इससे सस्ती, इससे ज़्यादा महंगी तो इंडिया में मास्टर्स है, आपको खुद को ही पता होगा. तो अगर आप इन यू नो इफ़ यू हैव अ कंस्ट्रेंट अबाउट योर स्टडीज, इफ़ यू हैव अ कंस्ट्रेंट अबाउट योर फाइनेंस रिक्वायरमेंट्स, तो आप ऐसी जगह पे आ सकते हैं. पढ़ाई करने के बाद फिर आप लंदन वगैरह में जॉब ढूंढ सकते हैं मैनचेस्टर में. तो अगेन यहाँ पर शेफील्ड में मेडिकल स्कूल बहुत अच्छा है, यहाँ पर मैनेजमेंट इंजीनियरिंग कोर्सेज अच्छे हैं, तो आप इस यूनिवर्सिटी को भी कंसिडर कर सकते हैं. और आप पीछे देखा ही होगा आपने कि कितना अच्छा सिटी सेंटर है. अभी हम आपको यूनिवर्सिटी में लेके चल रहे हैं, तो आपको यूनिवर्सिटी का भी थोड़ा दिखाएंगे. ये जो मेरे आप सामने बिल्डिंग देख रहे हो ना, शेफील्ड हेलम यूनिवर्सिटी, तो अपने स्टूडेंट इसी में पढ़ रहे हैं इस टाइम. तो यहाँ का व्यू है आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा. तो हम एक्चुअली उस साइड से आए हैं अभी, तो वहाँ पर आई थिंक बस स्टॉप है क्योंकि काफ़ी सारी बसेस खड़ी हैं. तो अभी हम चलते हैं आगे चलते हैं. ये वाली है शेफील्ड हेलम यूनिवर्सिटी. जी, शेफील्ड हेलम यूनिवर्सिटी. यहाँ पे दो यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड, शेफील्ड हेलम यूनिवर्सिटी, दोनों बढ़िया हैं. किसी में भी एडमिशन मिले तो सोचना नहीं है, आ जाना है बस. हाँ, क्योंकि ये यहाँ पर सिर्फ 2-3 इंडियन स्टूडेंट हैं जो नॉर्थ से आए हैं, बाकी जहाँ जितने भी स्टूडेंट हैं ना साउथ इंडियन है, उनकी लैंग्वेज दूसरी होती है भाई, इनको कुछ समझ नहीं आती और वो इंग्लिश में बातें करते हैं. हाँ. तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था जितने इंडियन स्टूडेंट हैं ना वो ट्राई करो कि सभी यूनिवर्सिटीज़ में जाओ, अगर आपको इस यूनिवर्सिटी में मिलती है ना तो आप इधर आ जाओ. इधर आने का बेनिफिट ये है कि स्कॉटलैंड यहाँ से सिर्फ 3 घंटे की ड्राइव है, यहाँ से 3-4 घंटे की ड्राइव है. हाँ, एडिनबरा स्कॉटलैंड 3 घंटे, ठीक है. और यहाँ से लंदन जाना है वो भी आई थिंक 3 घंटे लगते होंगे. यहाँ कहीं भी जाओ सब 1-2 घंटा पास में सबसे बीच में ही. तो ये सेंटर में आते हैं बिल्कुल. बाकी यॉर्कशायर पूरे यूके में सच बता रहा हूँ बहुत ब्यूटीफुल रीजन है. तो जिनको यहाँ पे एडमिशन मिलती है आप आ जाओ. तो फायदा है यहाँ पे सिटी बढ़िया क्योंकि स्टूडेंट सिटी है, तो सस्ती भी है काफी स्टूडेंट्स के लिए. इफ यू गो टू लंदन और मैनचेस्टर, बर्मिंघम, दे आर वेरी एक्सपेंसिव. ठीक है, तो ट्राई करना कि यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन आप अवॉइड करना, वो थोड़ी एक्सपेंसिव है. बाकी हमारे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हो ये लाइब्रेरी है. अभी हम ट्राई करते हैं ना, अंदर चलते हैं, देखते हैं, अंदर जाने देते हैं. क्योंकि मेरे पास एक्चुअली ना आईडी कार्ड नहीं है, तो आईडी कार्ड चलेगा इसका, तो इसको तो मिल जाएगा. आपके पास है आईडी कार्ड? अभी मेरा दिल था, मैं क्या थोड़ा सा आपको यहाँ का व्यू दिखा देते हैं. तो अंदर वैसे जा कोई है तो है नहीं आज. तो ये आप देख सकते हो, ये यहाँ का व्यू है. तो भाई हम अंदर गए थे तो एक्चुअली वो बंदी ने मना कर दिया, कहते कि अभी ये वाला कैंपस ओपन नहीं हुआ है, तो अभी होना है ओपन, सितंबर में हो जाएगा. तो मनीष की क्लासेस हैं जो अभी ऑनलाइन चल रही हैं, तो बस थोड़े दिन की बात है, ये अभी ओपन हो जाएगा. कार में बैठे हुए हैं. एक्चुअली अभी एक ट्रिप स्टार्ट हो रहा है हमारा, टूर पे जा रहे हैं. तो आप वो ट्रिप देखोगे नेक्स्ट ब्लॉग में. मैं होप करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा ये वाला ब्लॉग. और जिनको एडमिशन मिलती है शेफील्ड में ज़रूर आ जाओ, यहाँ पर सही है, यहाँ पर माहौल सही है. बाकी स्टूडेंट और यहाँ पर और भी स्टूडेंट हैं अपने, तो जिनको एडमिशन मिलती है तो बढ़िया है. बाकी अपने कंसल्टेंट को बताओ कि हमने इस यूनिवर्सिटी में जाना है. तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, मेरे साथ मनीष है. तो और कुछ कहना चाहते हो लास्ट में स्टूडेंट्स को? आ जाओ यहाँ पे, बढ़िया फन है यहाँ पे, गोरिया बहुत है यहाँ पे, क्राउड अच्छा है, सब बढ़िया ही है और क्या.